पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही आज हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने हौसले से उड़ान की है और जो अपनी काबिलियत के बल पर एक अहम पायदान पर पहुंचे हैं। ऐसे ही एक शख्स से हम आज आपको मिलवाएंगे जो आईजी ऑफिस में एज कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं और जिन्होंने नेट की परीक्षा पास की है। ऐसे शख्स हैं हमारे साथ में दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी विषय के साथ राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा मैंने इस वर्ष उत्तीर्ण किया है और इस परीक्षा के श्रेय में अपने वरिष्ठ अधिकारी मतलब एडी सर श्री बीके सिंह साहब को देना चाहूँगा और साथ ही मेरी जो मतलब शिक्षिका हैं सुनैना रस्तोगी जी, उनको देना चाहूँगा। माता पिता के साथ मित्रों का भी सहयोग रहा और इसमें मेरी पत्नी की भी बहुत भूमिका रही है। परीक्षा को पास करने में उन्होंने समय से सब चीज़ उपलब्ध कराई और ऐसा माहौल मुझे उपलब्ध कराया। जिस तरह से देखा जाए कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और लोग बहुत कम लोग इस परीक्षा को पास कर पाते हैं, क्या क्या कोई विशेष तैयारी की जाती है? ऑफिस टाइम के अलावा ड्यूटी के अतिरिक्त जो समय मिला उसमें मैंने तैयारी की। रात में इसके लिए समय निकाला और मैं आज इस वजह से परीक्षा पास कर पाया हूँ। जानना चाहेंगे कि क्या इसमें कुछ अड़चने भी आई होंगी? जाहिर है क्योंकि बिना परेशानी के कोई भी मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता, क्या सच बात? हाँ, मगर मुझे इतनी समस्या इसलिए नहीं हुई कि मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका मतलब बहुत सहयोग रहा है। मतलब उन्होंने उपार्जित अवकाश मुझे एक महीने का उपलब्ध कराया, उसी बीच मैंने तैयारी की। बाकी इसके अलावा तो बस रात का ही समय था मेरे पास, तो थोड़ी समस्याओं के साथ ही सही मगर मुझे कामयाबी मिली है। बिल्कुल सही बात है। इसमें एक अहम अगर योगदान कहें तो वो किसका रहेगा? इसमें मैं पूरा श्रेय समर्पित करना चाहूँगा अपने एडी सर बीके सिंह साहब को और मेरी शिक्षिका जो है सुनैना रस्तोगी जी को करना चाहूँगा। परिवार और कहें कि किसी भी कामयाब पर्सन के पीछे या व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो उसमें क्या कहें, क्या कितनी सच्चाई है इस बात? हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि मतलब मेरी कामयाबी पीछे मतलब एक नहीं मतलब दो दो मतलब महिलाओं का हाथ है, एक मेरी पत्नी और एक मेरी शिक्षिका जो है सुनैना रस्तोगी जी, और अधिकारियों का तो है ही सहयोग। आगे क्या कोई और तैयारी रहेगी, क्या कोई क्या मुकाम हासिल करना चाहेंगे कुछ और? हाँ, जैसा कि मुझे एक रास्ता मिला है नेट की परीक्षा पास करके, तो अब जब भी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञप्ति आएंगी मैं आवेदन करूंगा और पूर्ण मनोयोग से तैयारी करके उसमें परीक्षा पास करने की भरसक प्रयास करूंगा। बहुत सारे युवा हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, वो लगातार कोशिश करते हैं लेकिन उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, क्या कहें उनसे? देखिए, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि मतलब परीक्षा में असफल आदमी को जब मैं मानूंगा कि जब उसका मन से ये हो जाए कि मतलब नहीं, अब मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं कर, जब तक उसके अंदर अध्ययन करने की या मतलब संघर्ष करने की इच्छा जागृत है, मैं उस आदमी को असफल नहीं कहूंगा। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा उन युवाओं के लिए जो आपसे कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे और जो आपको देख कर कह सकते हैं कि हमें भी उस मुकाम को हासिल करना है, उन्हें क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही रहेगा कि सोचें, पॉजिटिव लोग के पास बैठें, उनसे मतलब कुछ सीखें, अपने जो संघर्ष करने वाले प्रेरणा स्रोत हैं उनसे प्रेरणा लें, बस यही मैं उनसे कहना चाहूँगा। इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए मुख्यतः किन ज़्यादा गंभीर विषयों पर आपने अध्ययन किया, किस पे आप ज़्यादा फोकस किया है, किस तरह से थोड़ा सा हम डीपली जाना चाहिए? हिंदी में मुख्यतः इस काव्य शास्त्र का थोड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। काव्य शास्त्र के अलावा प्राचीन इतिहास मतलब हिंदी के मतलब चारों कालों का और मतलब जितनी भी हिंदी की गद्य विधाएं हैं उनको मतलब पढ़ना, उपन्यास लेख, उपन्यास कहानी, नाटक, निबंध आदि सबका देखना, मतलब बारीकी से अध्ययन करना, और ये मेरा शौक भी रहा है। उपन्यास मतलब साहित्य में मेरी रुचि रही है तो उसी का आज
फल मुझे मिला है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो पुलिस परीक्षा आपने क्लियर की थी, क्या उसका भी कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा मिला? हाँ, पुलिस परीक्षा से तो ये पेपर मतलब बिल्कुल डिफरेंट था, मगर कहीं ना कहीं हाँ है। अगर मतलब आके इस विभाग में ही आके मुझे सब कुछ मिला है, जितना मतलब परीक्षा पास करके आया, वो छोटी परीक्षा थी, ये मतलब थोड़ी अच्छे स्तर की परीक्षा है, तो मुझे खुशी हुई है कि मतलब उसका भी रोल है। तो ये थे हमारे साथ में दुष्यंत कुमार जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की है और उन युवाओं को एक प्रेरणा दी है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेरा सभी से भी ये अनुरोध रहेगा कि दुष्यंत कुमार जी की तरह ही आप सफल हों और आगे बढ़ें, और सीधे तौर पर जिस तरह से उन्होंने अपने इस मुकाम को हासिल किया है, आप भी इस मुकाम को हासिल करते रहें। मैं लगातार आपको इसी तरह से कुछ ना कुछ नया दिखाता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। नमस्कार।